चमोली के थराली विधानसभा में बीजेपी का ही दबदबा रहा है। एक ही बार कांग्रेस को इस सीट पर जीत हासिल हुई है, लेकिन इस बार जनता परिवर्तन की बात कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जनता की राय जानी हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनित्रा ने। क्या रही लोगों की राय, आप भी सुनिए। राज्य बनने के 20 साल और जो पिछला जो कार्यकाल सरकार का रहा वो किस ढंग का कार्यकाल सरकारों का रहा, किस ढंग के विकास के कार्य यहाँ विधानसभा थराली में हुए हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं आम उन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि जो पिछली निवर्तमान सरकार रही, अपनी निवर्तमान सरकार के दौरान जो क्षेत्र या विधानसभा के जो क्षेत्र में वो किन ढंग के विकास के कार्य हुए हैं, तो आप ही अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी नज़र में तो विकास बिल्कुल जीरो है, शून्य स्तर पर विकास हुआ है। सड़कों की जो स्थिति थी वो जस की तस बनी हुई है। हमारे यहाँ पिछली कांग्रेस सरकार ने महाविद्यालय खुलवाए, स्कूलों का उच्चीकरण करवाइए, ना वहाँ लेक्चरर हैं ना वहाँ अध्यापक हैं, और उप तहसीलें खुलवाई, उप तहसील में ना कोई पद नए क्रिएट किए गए। खाली लास्ट टाइम जो है कि सरकार ने जाते जाते लास्ट टाइम जो कि एक लॉलीपॉप सा सबको पकड़ा के गई, पद क्रिएट कर दिए, भर्तियां खोल दी, जीरो फीस पे भर्तियां खोल दी, लेकिन भर्तियां नहीं हो पाई आचार संहिता के ठीक पहले भर्तियां खोल दी, एक लॉलीपॉप दे दिया, युवा अभी भी बेरोजगार है। तो विकास बिल्कुल, हमारे थराली हॉस्पिटल के लोकल बात करूं तो थराली हॉस्पिटल में आज तक इन पाँच साल एक डॉक्टर्स नहीं आया, एक अल्ट्रासाउंड मशीन जस की तस जो है कि धूल खा रही है, एक्सरे मशीन धूल खा रही है। और हमारी माननीय विधायिका जो निवर्तमान विधायिका है वो कहती है 11,000 किलोमीटर हमने सड़क बना दी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ 11,000 किलोमीटर कहाँ, 11,000 किलोमीटर तो टोटल विधानसभा का एरिया नहीं है, वो कहती है कि 11,000 किलोमीटर हमने सड़क बना दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि विकास कहाँ हुआ? विकास तो बिल्कुल नगण्य है, जीरो है। आप शायद कांग्रेस के समर्थक आप कह रहे हैं कि विकास नगण्य है, लेकिन हम दूसरे स्थानीय निवासी उनसे जान लेते हैं कि क्या भाजपा के उन कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, पिछले 20 सालों में राज्य बने हुए या वर्तमान जो वर्तमान 5 साल हैं, क्या विकास कार्य क्षेत्र में हुए हैं विधानसभा? अभी इन 5 सालों में काफ़ी थराली विधानसभा में काफ़ी काम हुए, रिकॉर्ड तोड़ काम हुए, काम नहीं कहते रिकॉर्ड तोड़ काम हुए। हमारी विधानसभा में देखा जाए तो 25 से ज़्यादा तो नए पुलें हुए हैं, गांव-गांव में सड़कें हुए, डामरीकरण हुए। आप यहीं पे देखें थराली पेनगढ़ मोटर रोड है, थराली विधानसभा की मतलब थराली ब्लॉक की सबसे पुरानी सड़क है, अभी उस पर काम हो रहा है, पेनगढ़ तक उस पर कटिंग का काम चल रहा है, डामरीकरण का काम चल रहा है। प्रत्येक गांव में नई नई सड़कें बननी है, डामरीकरण उसके हो रहे हैं। अभी नारायणबगड़ में महाविद्यालय बन चुका है, खुल चुका है, देवाल में महाविद्यालय स्टार्ट हो चुका है, गांव-गांव में सड़कें हुए, डामरीकरण हुए। आप यहीं पे देखें थराली पेनगढ़ मोटर रोड है, थराली विधानसभा की मतलब थराली ब्लॉक की सबसे पुरानी सड़क है, अभी उस पर काम हो रहा है, पेनगढ़ तक उस पर कटिंग का काम चल रहा है, डामरीकरण का काम चल रहा है। प्रत्येक गांव में नई नई सड़कें बननी है, डामरीकरण उसके हो रहे हैं। अभी नारायणबगड़ में महाविद्यालय बन चुका है, खुल चुका है, देवाल में महाविद्यालय स्टार्ट हो चुका है, और काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी जहाँ तक सरकार की बात है तो स्वरोजगार के लिए सब्सिडी वाला अपना व्यवसाय अच्छे ढंग से सुचारू करने के लिए सब्सिडी वाला ऋण मिल रहा है, और भी बहुत कुछ। हमारे होटल वाले भाइयों के लिए सरकार ने कोरोना में काफ़ी सहायता दी, आर्थिक सहायता दी, उनको मिलता है, काम हो रहा है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले से बेहतर काम हो रहा है। सड़क के बारे में कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने तमाम तरह की सड़कें गाँव गाँव में पहुँचाई, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि थराली छोल डुंगरी रुशान भेंटिया बंगाली घाट को जोड़ने वाली एक सड़क की मांग 70 के दशक से यहाँ के और घाट के लोग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी छोल डुंगरी तक रोड है, आज भी वो रोड की जो लोग मांग कर रहे हैं थराली से घाट की नंदा नगर से, वो उस रोड पर क्या कार्रवाई हुई? उसमें भी शायद कुछ विवाद चल रहा था, मेरे संज्ञान में जितना है कि विवाद अब सुलझ चुका है और बहुत जल्दी उस पर हो जाएगा, काम शुरू होने वाला है। ठीक, आपका कहना है कि बहुत जल्दी थराली घाट वाली मोटर मार्ग में जल्दी कार्य हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो 20 सालों का जो उत्तराखंड राज्य बने हुए हैं और जो 5 साल जो पिछले सरकार का कार्यकाल रहा, तो किस ढंग से आप देखना चाहेंगे और थराली विधानसभा में क्या विकास कार्य हुए, क्या होना चाहिए? देखिए ना, विकास गाँव में देखिए, इस मार्केट में विकास थोड़ा होगा, गाँव में जो विकास हो रखा है उस विकास को जाके देखिए, गाँव की महिलाओं को देखिए, बड़े अच्छे काम आए हैं, काम कर रहे हैं, लोग सब खुश हैं।
जो भी हमारे चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के नेता हैं, जो भी है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस की आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, बीजेपी की ही काम होगा बढ़िया। यहाँ पे स्थानीय निवासियों ने जो दोनों भाजपा कांग्रेस के जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन हमारे स्थानीय युवा और हैं, उन्हीं युवाओं से युवा हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो 20 साल का राज्य हुआ है, वर्तमान जो विकास कार्य हुए, क्या कार्य होने चाहिए थे जो नहीं हुए, वो क्या क्या कारण है? सर्वप्रथम आपके चैनल का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित ही 5 वर्षों में ऐतिहासिक विकास के कार्य क्षेत्र में हुए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में बोलो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोलो। स्वास्थ्य की मैं बात करता हूँ, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थ्राली है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थ्राली, वर्तमान में 8 डॉक्टर कार्यरत हैं। हम लोगों की जो मानसिकता है कि हम लोग सरकारी हॉस्पिटल से दूर भाग रहे हैं, मुख्य मुद्दा अल्ट्रासाउंड का था। अल्ट्रासाउंड में कुछ तकनीकी कारणों से अल्ट्रासाउंड नहीं पहुँच पाया, वो खेद का विषय है। आज चाहे महाविद्यालय तलवाड़ी की बात करो, तो तलवाड़ी में भी सारे प्राचार्य पूर्ण रूप से वहाँ पे हैं। आपका महाविद्यालय नारायणबगड़ में खुल गया है, देवाल में खुल गया, तो ऐतिहासिक क्षेत्र इस क्षेत्र में काम हुए। सर, मैं ये कहूँगा कि आदरणीय मगनलाल जी भी इस क्षेत्र की जनसेवा करते हुए स्वर्ग सिधार रहे हैं, तो माननीय मगनलाल जी के नाम पे भी विद्यालय महाविद्यालय का नाम होना चाहिए। रही शहीदों के सम्मान की बात आप करते हैं, तो असेड़ महाविद्यालय जो असेड़ का राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज है, वो शहीद सतीश चंद के नाम से इस बार हो गया भी, यदि कहीं होगा तो सरकार उस ओर भी पहल करेगी। बोलो, तो अभी जो यहाँ पे हमने लोगों से बात की, थराली विधानसभा के लोगों से बात की थी, यहाँ पे लबोलुभाव कुल मिलाकर ये आया कि भाजपा से समर्थित लोग कहते हैं कि भाजपा ने विकास किया, कांग्रेस से समर्थित लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने विकास किया, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों से आम जनता से अगर पूछा जाए तो आम जनता खुश है, बहुत खुश नहीं है। आम जनता बिल्कुल त्रस्त है, विकास वो उनके दूर है, शिक्षा दूर है, स्वास्थ्य दूर है। अभी यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य थराली केंद्र थराली के 8 डॉक्टरों की बात की गई, लेकिन ये अस्पताल हमेशा रेफर सेंटर बना रहा। इस प्रकार की समस्याएं हैं, ज्वलन समस्याएं रही हैं। ठीक है, जनता जो कुछ कहती है, जो समर्थक हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जनता की जो बातें निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस के दोनों पार्टों के बीच यहाँ की स्थानीय जो जनता है वो पिसने को मजबूर है। कभी भाजपा के पार्ट के नीचे, कभी कांग्रेस के पार्ट के नीचे। अब बहरहाल देखना होगा उन 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है, जनता अपना क्या निर्णय लेती है, जनता क्या फैसला लेती है, जनता किसको अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है और किसको किसकी सरकार राज्य में बनाती है, इन्हीं सवालों को लेकर हम आप बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। सुरेंद्र विधानसभा से बोलिए।